Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masih and welcome back to my channel Economics Side. So today we will complete chapter number 2, that is basic concepts of economics. मैं इस particular video में इस पूरे chapter को complete करने की कोशिश करूंगा. Chapter 1 मैंने already complete कर दिया है, जिसका link मैं description box में आपको provide कर दूंगा. इस particular lecture में मैं सारे important concepts आपको explain करूंगा, important questions आपको explain करूंगा, सारे questions जो important है वो कितने marks के basically पूछे आएंगे, kind of blueprint आपको explain करने की कोशिश करूंगा. So this lecture will be very very beneficial for you. Plus आपको कुछ interesting facts बताऊंगा, रीसेंट करंट अफेयर जो आपके इस पर्टिकुलर जो इस चैप्टर से मैच कर रहे हैं वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपका डेफिनेटली इंटरेस्ट और क्रिएट होगा इकोनॉमिक्स में. सो प्लीज़ डू वॉच पॉजिटिवली एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो आई कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड इफ आई गेट द मोर एंड मोर व्यूज़. क्लियर? सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. देखिए, आपको पता है कि जिस तरह की चैप्टर क्लास 11th में प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका जो है इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो सिंस जब 11th एंड 12th आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो है आपके आगे कंसेप्ट्स आएंगे, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, GDP हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया. तो ये काइंड ऑफ एक तरह की टेक्निकल लैंग्वेज है इसकी इकोनॉमिक्स की. ठीक है, तो इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप बड़े कंसेप्ट्स आप समझ पाएंगे, तभी आपको 12th की इकोनॉमिक्स समझ में आएगी. या इकोनॉमिक्स कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे, कहीं पे भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे, या फिर कोई आपको डिबेट्स में जब आप सुनेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक्स लाइक अदर सब्जेक्ट्स हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट्स. मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इकोनॉमिक्स की एक अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, अपने कंसेप्ट्स होते हैं. ठीक है, जो कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए यूजफुल है और आपको यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका वॉन्ट्स हो गया, प्राइस हो गया, यूटिलिटी हो गया, वैल्यू हो गया, वेल्थ हो गया, वेलफेयर हो गया. देखिए, अब वेलफेयर आपको लगेगा कि सिंपल एक कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन वेलफेयर इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत अलग है, अलग चीज़ है. ठीक है, क्योंकि सिंस पहले जो इकोनॉमी होती थी, मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेटेड होती थी, वेल्थ पे कंसंट्रेटेड होती थी. हर कोई क्या है, सिर्फ वेल्थ को ही बेसिकली फोकस करता था. लेकिन अब जो इकोनॉमी फिर विद द टाइम चेंज हुई, उन्होंने वेलफेयर को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया. जैसा कि आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें हम एक पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और हम हेल्थ को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो हम अदर देन इनकम हमने एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर. और इसके हिसाब से कंट्रीज की रैंकिंग होती है. आपको पता है हर साल HDI की एक जो UNDP है बेसिकली HDI को पब्लिश करता है और उसकी जो है रैंकिंग हमारे डिफरेंट कंट्रीज की उसको प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो वेलफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में. और अगर डीपली बात करें तो जो अमर्त्य सेन है हमारे, जो 1988 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, फिर हमारे जो अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो हैं जो कि बेसिकली हस्बैंड वाइफ हैं, और अभिजीत बैनर्जी एक इंडियन है जिन्हें 2019 में पॉवर्टी पे काम करने के लिए जिनको नोबेल प्राइज मिला था. तो ये एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है. ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक अपने आप में एक ब्रांच हो जाती है. ऐसे ही आपका मनी है. मनी आपको पता है कि हमारी जितना भी करेंसी रेगुलेट हो रही है, हमारे मार्केट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं. सिंपल ये मार्केट नहीं है कि आप जाके, ये मार्केट बिल्कुल अलग चीज़ है. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं. 12th में परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, देन मोनोपोली, देर आर वेरी मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट. ठीक है, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये एक सिंपल कंसेप्ट होते हुए एट द सेम टाइम ये बहुत वास्ट है. फिर आपका प्राइस, ठीक है, वैल्यू, फिर वेल्थ, वेलफेयर, देन इनकम, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट भी फॉरन इन्वेस्टमेंट है, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है. फॉरन इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो ऑल दोज थिंग्स, कंजप्शन, प्रोडक्शन, सेविंग, सारे कंसेप्ट आपको मैं डीप में विद अ रीसेंट थिंग्स गोइंग ऑन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले हमारा ह्यूमन वॉन्ट्स. देखिए, जब भी हम इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे आगे ह्यूमन वॉन्ट्स आती हैं कि हमें लोगों की जरूरतों को पूरी करना है. और कहीं ना कहीं यहीं से ही हमारी इकोनॉमी पूरी डेवलप हो जाती है. तो बेसिकली आप क्या करते हो, ह्यूमन वॉन्ट्स को समझते हो, ह्यूमन वॉन्ट्स को स्टडी करते हो, या ह्यूमन की वॉन्ट्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हो. ठीक है, सो एज एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द वेरियस इकोनॉमिक इशूज परटेनिंग टू द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड द इकोनॉमी. द बेसिक ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं, क्यों प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्यों कंजप्शन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जरूरत है. अगर मैं बोलूँ कि आप मेरा चैनल क्यों देख रहे हो, आप मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको ये चैप्टर को अच्छे से समझना है. ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, भले फोन का हो रहा है, कॉपीज़ का हो रहा है, पेन का हो रहा है, तो वो इसकी एक बेसिकली डिमांड है मार्केट में, उसका एक यूज़ है बेसिकली, उसकी एक यूटिलिटी है मार्केट में. ठीक है, इसलिए उसका बेसिकली वो ह्यूमन वॉन्ट है बेसिकली. सो प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स इज एट द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों कर रहा है, हमारा स्कूल्स क्यों खुले हैं, क्योंकि ये आपकी ह्यूमन वॉन्ट है. हॉस्पिटल्स क्यों खुले हैं, क्योंकि ये ह्यूमन वॉन्ट है. इंडस्ट्रीज क्यों खुली हैं, क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट है. हमारी जो फ्लाइट्स, ट्रेन्स, कम्युनिकेशन, ये सब क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन वॉन्ट्स हैं. ठीक है, पीपल वर्क इन ऑर्डर टू अर्न एन इनकम इज सो एज टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक वॉन्ट्स. तो पीपल की जो पीपल काम क्यों करते हैं अपना, पीपल वर्क और अर्न इसलिए करते हैं ताकि अपने इकोनॉमिक वॉन्ट्स को अपना पूरा किया जा सके. ध्यान रखना, यहाँ पे वॉन्ट्स हैं, यहाँ पे हर चीज़ आप एक्वायर नहीं कर सकते हो लाइफ में, है ना. हर एक चीज़ की कॉन्स्टेंट है आपके पास, ध्यान रखना है. आप ये नहीं कि पूरी आपकी सारी वॉन्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी. आज की डेट में अगर मुझे एक
एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी चाहिए तो शायद मैं नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ जो फिजिबल वांट्स हैं जो ह्यूमंस की वही पूरी हो पाएंगी। यहाँ पे द वर्ड वांट ऑर्डिनरली मीन्स अ विश और डिजायर टू डू समथिंग इन ऑर्डिनरी यूसेज द वांट एंड डिजायर यूज इन द सिनोनिमस सेंस, ठीक है। आपको पता है कि डिजायर और वांट इंग्लिश लैंग्वेज में या पर्टिकुलर लैंग्वेज में सेम वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में अलग चीज है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, डिजायर जो होता है वो कोई भी चीज खरीदने की आपकी इच्छा होती है। जैसे मैंने बोला अभी कि क्या मुझे एक मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, एक मुझे मर्सिडीज की गाड़ी खरीदनी है, तो क्या मैं असली में खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ, तो वो सिर्फ मेरी डिजायर रह जाएगी, वो मेरी इफेक्टिव डिजायर नहीं बनेगी, जो मेरी वांट नहीं होगी या मेरी डिमांड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, प्राइस नहीं है। तो जो चीजें मैं नहीं खरीद सकता हूँ, बस अपनी उसके ख्याली फैंटेसी है या ख्याली पलाव है मेरे, बेसिकली विच इज़ बेसिकली नॉट एप्लीकेबल, नॉट फिजिबल, तो वो मेरी सिर्फ डिजायर रह जाता है। वॉन्ट क्या होता है या इफेक्टिव डिजायर किसे बोलते हैं, जो जिसको मैं खरीद पाऊंगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, क्लियर, विच यू कैन बाय बेसिकली एंड विच यू हैव आर मेकिंग एफर्ट टू एक्वायर इट। फॉर इंस्टेंस आई मे डिजायर अ होंडा सिटी कार बट आई वुड बिकम माई वॉन्ट ओनली इफ आई एम रेडी टू मेक एन एफर्ट सच एस अर्निंग इनकम फॉर दिस कार। तो कहने का मतलब है डिजायर और वॉन्ट में क्या डिफरेंस है कि एक तो आपको गाड़ी खरीदनी है वो तो आपकी डिजायर हो गई, लेकिन क्या आपके पास पैसा है, प्राइस है, क्या आपके पास एफर्ट्स है उतने, क्या आप एफर्ट कर रहे हो उसको उतना पैसा कमाने के लिए, तभी वो आपकी वॉन्ट हो पाएगी। कहने का मतलब है जब आपकी सिर्फ विलिंगनेस है, ओनली विलिंगनेस है, तो वो हमारी डिजायर होती है। जब विलिंगनेस प्लस मनी भी आ जाता है आपके पास उसे खरीदने के लिए, तो वो हमारी वॉन्ट या डिमांड भी बोलते हैं, इसको डिमांड हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमन वांट्स प्राइमरी होता है, आपको पता है प्राइमरी बेसिकली हमें जो जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, आपको पता है ये रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए तीन चीज़ों के लिए, ठीक है, जैसे हो गया हमारा फूड हो गया, हमारा शेल्टर हो गया, ठीक है, दीज आर द बेसिक वांट्स, प्राइमरी वांट्स जिसको बोलते हैं। सो प्राइमरी वांट्स रिफर्स टू द वांट्स ऑफ द गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द वेरी एक्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल एफिशिएंसी। तो लोगों की एफिशिएंसी बनी रहे, लोगों काम कर पाए, लोग जिंदा रह पाए, बेसिकली वो उसके हमारे प्राइमरी एफर्ट्स, हमारे प्राइमरी वांट्स होते हैं। तो कोई भी ह्यूमन बींग सबसे पहले एफर्ट्स करता है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि सर्वाइव करेगा तभी बाकी चीज़ें कर पाएगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा तो कैसे जी पाएगा। तो इसमें क्या हमारी आ जाती है, फूड आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, क्लोथिंग आ जाती है, या और भी कुछ बेसिक चीजें आ जाती हैं, हमारी नॉर्मल मेडिसिन हो गई, है ना। तो ये सारी हमारी हमारी प्राइमरी वॉन्ट्स होती हैं, ठीक है। सो इसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले ए ग्रुप, दोस हु वांट्स विच आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग, तो मतलब जिस एक पहली ऐसी चीज़ें जो कि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, जैसे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। और दूसरा इसको क्लासिफाई किया जा सकता है वांट्स फॉर द गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल एफिशिएंसी। और कुछ हर एक पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड कर सकता है कि मेरे लिए कुछ प्राइमरी, आप टीचर हूँ तो मेरे लिए जैसे अगर प्रॉपर मुझे बुक चाहिए एक, है ना, अपने और एक चॉक चाहिए, मे बी एक डस्टर और ब्लैकबोर्ड चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि उनकी जो नॉर्मल एफिशिएंसी उन्हें मेंटेन करने के लिए उनको क्या चाहिए, ठीक है। सो फॉर अ फैक्ट्री वर्कर प्लेंटी फॉर फूड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग इज एफिशिएंसी। तो मैं जैसे बताया कि कोई एक फैक्ट्री वर्कर के लिए एक प्लेंटी ऑफ फूड होना चाहिए ताकि वो जो एफिशिएंसी मेंटेन कर पाए। सिमिलरली टेबल्स एंड चेयर्स में भी रिगार्डेड एज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए, एक बेसिकली टेबल्स और चेयर्स तो चाहिए, नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। फिर सेकेंडरी वांट्स, सेकेंडरी वांट्स होती है, सेकेंडरी वांट्स आर दोस वांट्स विच आर अराइज ओनली आफ्टर द प्राइमरी। उसके बाद जब प्राइमरी आपके वांट्स पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी वांट्स आपकी निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, दे रिलेट टू द वांट्स फॉर द गुड्स विच कैटर टू द कंफर्ट्स। बेसिकली यहाँ पे कंफर्ट आएगा, आपकी लग्जरी आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास थोड़ा पैसा आएगा तो आपको फिर एसी भी चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो इसको दो दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, बेसिकली कंफर्ट और लग्जरी। तो कंफर्ट और लग्जरी में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। लेट सपोज अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो अगर आप कूलर अफोर्ड कर पा रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंफर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप एसी ले पा रहे हो तो वो आपकी लग्जरी हो जाएगी। अभी पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है, किसी के लिए कूलर लग्जरी है, किसी के लिए टेबल फैन जो पंखा है, सीलिंग फैन है, वो कंफर्ट हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द वॉन्ट्स विच आर सोर्स ऑफ कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस। तो एक तरह का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, कम्फर्ट देता है लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोफा सेट इन अ रूम, अ म्यूजिक सिस्टम इन अ हाउस, अ रेफ्रिजरेटर, है ना। तो ये काइंड ऑफ ये भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, बट ये फूड, शेल्टर और क्लोथिंग से थोड़ी। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज बी वॉन्ट्स फॉर लग्जरीज। तो हमारी जो वॉन्ट्स होती है वो लग्जरी भी हो सकती है, काइंड ऑफ लग्जरी भी हो सकती है। तो बेसिकली लग्जरी में और कम्फर्ट में डिफरेंस क्या होता है, जो इसका लग्जरी का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जैसे हम लग्जरी गाड़ियों की बात करते हैं, एसयूवी गाड़ियों की बात करते हैं, तो आपको पता है उनका प्राइस कितना ज़्यादा होता है ना, इन द रिलेटिवली व्हेन वी कंपेयर टू द कंफर्ट थिंग्स। जैसे आप कूलर और एसी ही ले लीजिए, कूलर आपको 5 to 8,000 का जो नॉर्मल कूलर है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एसी, आपका 30 to 50, 60,000, 80,000 तक जाता है। तो आपका काफ़ी जो है एक्सपेंसिव होता है लग्जरी। तो ये होता है लग्जरी और कंफर्ट में, बेसिकली आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। सो वॉन्ट फॉर द लग्जरी आर रिफर्स टू द वॉन्ट्स फॉर दोज गुड्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, ध्यान रखना, वेरी एक्सपेंसिव एंड विच आर मैन टू शो द वेल्थ एंड पावर ऑफ पर्सन। तो आपको पता है अगर आपके घर में एसी लगा है, अगर आपके घर में बहुत ही एसयूवी, एक लग्जरी गाड़ी खड़ी है, लग्जरी आपका घर है, उसमें लग्जरी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई हैं, सीसीटीवी कैमरा सब आपको दिया गया है, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ आपकी पावर को दिखाता है, आपके पोजीशन को दिखाता है, आपकी वेल्थ को दिखाता है, आपके स्टेटस सिंबल को दिखाता है, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम इसको जनरल क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो प्राइमरी वॉन्ट्स हमारी नेसेसिटी होती है, जो हमें चाहिए चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हो गया। फिर हमारी सेकेंडरी में कम्फर्ट्स हो गई, इससे थोड़ा सा
इंसान ऊपर उठता है तो इसकी तरफ बढ़ता है, जब इस जब और ज़्यादा पैसा कमाता है तो फाइनली दे आर गोइंग टू द यूज़ द गुड्स फॉर द लग्जरी गुड्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ह्यूमन वांट्स का हमारा जो है क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके कुछ फीचर्स आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कि वांट्स आर अनलिमिटेड, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है। जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम बेसिकली जो भी हम खरीदना चाहते हैं वो हमारी अनलिमिटेड है। अगर आज आपके पास एक साइकिल है तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आप इससे बोर हो जाएंगे एंड यू वांट अ बाइक। अब बाइक्स में भी बहुत तरह की बाइक्स है, सिंपल बाइक है, आपकी स्पोर्ट्स बाइक है ना, तो वो भी हो सकता है कि आप एक बाइक से दूसरी बाइक में आए, या हो सकता है फिर आपको बाइक बोरिंग, फिर आप कार में आ जाए, कार में फिर लग्जरी गाड़ी में आ जाए। तो कहने का मतलब है जो आपकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, एक तो आप इस वे में समझ सकते हैं, या दूसरी वे में समझ सकते हैं। जैसे अभी आपने सुबह आपने खाना खाया तो दोपहर में भी आपको खाना खाना है, फिर रात में भी आपको खाना खाना ही है ना, तो फिर आपको सुबह भी खाना खाना है। तो कहने का मतलब हमारी वांट्स हैं दोनों तरीके से हमारी अनलिमिटेड है, अगर हम सर्वाइवल की बेस पर बात करें तब भी, और अगर हमारे जो एस्पिरेशंस हमारे डिजायर्स है उसकी बात उस पर बात की जाए तो वो भी हमारे अनलिमिटेड होता है, ठीक है। और ये ह्यूमन हिस्ट्री रही है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी का है, पुरानी सिविलाइजेशन में भी ये चलता है। हाँ, अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति करता है या कोई योगी है या कोई इस टाइप से मतलब अपने जो है जो नॉर्मल लाइफ है वो नहीं जी रहा है, वो इस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, जिसे एक बेसिकली मटेरियलिस्ट वर्ड से जो प्यार नहीं है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। हम यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। जैसे बॉन्ड्स स्टार्ट्स में द चाइल्ड इज बॉर्न, और जब तक वो मरता नहीं है, जब तक वो ग्रेवयार्ड तक नहीं जाता, इवन जब भी ग्रेवयार्ड में जाता है तब भी उसके बहुत क्रियाक्रम में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो कहने का मतलब है ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड फ्रॉम व्हेन ही इज बॉर्न टू यू कैन से टिल ही गोज टू द ग्रेवयार्ड, क्लियर। सो ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज कि जो वॉन्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, को एग्जिस्ट होती है। कहने का मतलब है कई गुड्स आपको जैसे एक साथ चाहिए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो गुड्स आपको एक साथ चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने कार ले ली, पेट्रोल है नहीं तो उसका कोई फायदा है, तो मतलब जब आप कार ले रहे हो तो आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। आप और समझ सकते हो उसको, जैसे मान लो आपके पास ब्रेड है, अगर आप ब्रेड है तो आपके पास बटर भी होना ही चाहिए, या जैम जो भी आप लेते हैं तो ब्रेड के साथ कुछ ना कुछ आपके साथ चलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब जब जॉइंटली डिमांड करते हो कोई भी दो गुड्स आपको, दैट इज बेसिकली कौन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके। जैसे कार क्रिएट्स अ वांट्स फॉर द पेट्रोल, ठीक है, मैंने आपको बताया। पेन है तो उसके लिए इंक भी चाहिए, अगर इंक नहीं है, पेन नहीं है, दोनों नहीं है, उसमें से कोई भी एक नहीं है तो उसकी अगले की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ये इसका मतलब है। तीसरा है सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं गुड्स, लेट सपोज एक की जगह दूसरी भी यूज़ की जा सकती है। इसमें क्या था कि दोनों आपको यूज़ करनी करनी, दोनों आपकी एक साथ यूज़ होंगी, लेकिन इसमें क्या है कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। जैसे आपकी अब बेसिकली चॉइस होगी, यहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पे चॉइस है आपके पास। यहाँ पे जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक है और आपके पास और एक लेट सपोज जूस है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोल्ड ड्रिंक लो या जूस लो। अगर कोई हेल्दी है, हेल्दी पर्सन अगर वो हेल्दी रहने की सोच रहा है तो वो काइंड ऑफ जूस लेगा, ठीक है, जिससे बस सिर्फ प्यास बुझानी है, जिसका जो है अपना बेसिकली गर्मी से बचना है, तो हो सकता है वो कोल्ड ड्रिंक ले ले, या हो सकता है उसका कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा मन करता हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ दूसरे एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल आपको हिल स्टेशन गए और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आपने पूछा कि भैया कॉफ़ी है तो कॉफ़ी नहीं, उसने बोला कॉफ़ी नहीं है, तो उसने बोला कि मेरे पास टी है, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने कहा बोला कोई बात नहीं चलो टी दे दो। तो ऐसे गुड्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो एक की जगह दूसरे की का दूसरे की मतलब स्थान पे, दूसरे की प्लेस पे, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक साथ, जिनको आप वो नहीं कर सकते, मतलब मिस नहीं कर सकते, अगर ये चाहिए तो दूसरा भी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है बेसिकली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। वॉन्ट्स आर कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी आपकी मतलब इनकम बढ़ेगी तो आप कंपीट करोगे कि आपको आपका जो चॉइस है वो बढ़ जाएगी, है ना, कि आपको ये खरीदना है या ये खरीदना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास 1000 रुपये हैं, तो वो क्या करेगा, या तो उसे वो उसको चॉइस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसे सोचना पड़ेगा, है ना, ये सोचना पड़ सकता है कि यार क्या करे, क्या वो मूवी देखने जाए, क्या वो बेसिकली मैच देखने जाए स्टेडियम में, क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पार्टी इंजॉय कर ले, या घूमने चले जाए, या बाइक में पेट्रोल डलवा ले, स्कूटी में पेट्रोल डलवा ले, या फ़ोन का रिचार्ज कर ले। तो कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव होती है, मतलब जो वॉन्ट्स है आपस में वो कम्पीट करती हैं, कि मतलब कहने का मतलब है आपको चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी आपको चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी है। देन नेक्स्ट दैट इज़ अ वॉन्ट मल्टीप्लिसिटी, वॉन्ट्स मल्टीप्लाई होती रहती है ना, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी, फिर आपके टाइम इंक्रीज़ होगा, तो आपके पास और भी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल द वॉन्ट फॉर द माइक्रोवेव ओवन हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सच एज ओवन समटाइम्स बैक, तो पहले ओवन आया, आपको पता है ओटीजी ओवन आया होगा, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन आया है, तो कहने का मतलब है वॉन्ट्स फिर उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होती रहती है विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वॉन्ट्स रीअकर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो वॉन्ट्स है वो रीअकर हो सकती है। रीअकर कहने का मतलब है कि बार बार उसको हो सकती है, जैसे मतलब अभी आपने खाना खाया फिर दोपहर में भी खाना खाएंगे, मतलब रीअकर हो गई है, मतलब जैसे फूड का हो गया, फूड की क्रेविंग हो गई आपकी, पानी की क्रेविंग हो गई, ये तो आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए हो सकता है, ठीक है। और बहुत और भी चीज़ें होंगी, कपड़े होंगे, तो ये हमारी वॉन्ट्स जो होती है रीअकर होती रहती है, ठीक है। अभी शूज़ खराब हो गए तो बाद में भी आपको जरूरत पड़ेगी शूज़ की, है ना। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज द सेवंथ पॉइंट, अ सिंगल वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड। कहने का मतलब है हमारी जैसे पता है बहुत सारी वॉन्ट्स होती हैं, बहुत सारी डिमांड होती है हमारी, लेकिन साइमल्टेनियसली एक साथ उसको पूरी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। भले ही आप अपने पेरेंट्स से कई बार लड़ाई करते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो पेरेंट्स अपने आप आर्ग्यूमेंट सकते हैं कि नहीं अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, बजट नहीं है। तो कहने का मतलब है एक वॉन्ट एक टाइम पे सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन सारी वॉन्ट को एक साथ सेटिस्फाई करना जो कि नामुमकिन है, ठीक है, इस समय।
नेक्स्ट है, और इसे कंट्री के वाइज भी आप सोच सकते हैं, आप अपने फैमिली के वाइज, इंडिविजुअल, माइक्रो लेवल पे। वैसे अगर माइक्रो लेवल पे सोचे तो एक देश के लिए हर एक सोसाइटी की जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल होता है एक समय पे। नेक्स्ट दैट इज सम बॉन्ड्स कैन बी पोस्टपोन, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपकी पोस्टपोन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ फूड और कार देना, तो कार तो बहुत आराम से आप पोस्टपोन कर सकते हो, आप इसे 2 साल बाद भी ले सकते हो, हो सकता है लो भी ना, ठीक है, लेकिन फूड जो है कुछ चीज़ें पोस्टपोन नहीं हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपका पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है 9th, वॉन्ट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी। अर्जेंसी कहने का मतलब है कि कितनी अर्जेंट है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कौन सी पहले चीज़ आपको जो है लेनी ही लेनी है और कौन सी जो है आप उसको टाइम के साथ उसको मतलब ड्यू रख सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपका वॉन्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी, उसको आप प्लेस कर सकते हो, मतलब टाइम लाइन बना सकते हो कि पहले मुझे अपने ये जरूरत करनी है पूरी, फिर ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, मतलब इस टाइप से आप एक टाइम लाइन फॉलो कर सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉन्ट्स एंड विच आर और डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी। मतलब अर्जेंसी के हिसाब से आप एक वॉन्ट्स की टाइमलाइन को बना सकते हो, आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, और फिर अपनी जो है पूरी जरूरतें अपनी पूरी करनी है। तो सबसे पहले एक टाइमलाइन, कॉमन टाइमलाइन क्या हो सकती है, सबसे पहले मुझे फॉर एग्जांपल अपनी स्टडीज़ पूरी करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टडीज़ पे करनी है, उसके बाद मुझे अपनी एक बाइक लेनी है, उसके बाद मुझे कार लेनी है, उसके बाद मुझे अपना घर बनाना है, या हो सकता है घर पहले हो जाए। तो ये टाइमलाइन होती है जिसको आप अर्जेंसी के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ आप उससे प्लेस कर सकते हैं टाइमलाइन में। नेक्स्ट दैट इज वॉन्ट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब है कि द हार्ड ट्रूथ हमारा क्या है कि लाइफ का ह्यूमन वॉन्ट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज हैव ऑलवेज रिमेंड अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे ह्यूमन वॉन्ट्स है वो हर समय आगे रही हैं उसकी अवेलेबिलिटी है। ये मतलब एक बेटर ट्रूथ कह सकते हो कि सबसे पहले मतलब कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि वो चीज़ अवेलेबल हो ही आपके पास, या इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो हमारी वॉन्ट है वो हर समय अहेड रहती है अवेलेबिलिटी से। तो काइंड ऑफ ये जरूरी नहीं है कि वो अवेलेबल हो पाए या वो पूरी हो पाए। दिस इज द बेसिकली व्हाट दिस पॉइंट सेज। सो दिस इज अराउंड 10 पॉइंट्स, यू कैन से 10 करेक्टरिस्टिक्स, 10 फीचर्स ऑफ द ह्यूमन वॉन्ट्स विच यू हैव टू लर्न। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि एक्सप्लेन द वॉन्ट्स एंड फीचर्स ऑफ वॉन्ट्स। तो वॉन्ट क्या होता है आपको बताइए, मैंने बता दिया कि वॉन्ट क्या, कोई डेफिनेशन देनी है, और वॉन्ट डिजायर से कैसे डिफरेंट है ये पूछा जा सकता है। तो डिजायर में यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डिजायर में यहाँ पे आप प्राइस पे नहीं कर पाओगे, आपकी सिर्फ एक विलिंगनेस होती है, बट आपकी जो वॉन्ट होती है उसमें विलिंगनेस भी होती है, प्लस उसमें आप उसको अफर्ड भी करते हो और उसको पे करने की आप में क्षमता भी होती है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस आ सकता है, और आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट वॉन्ट का पूछा जा सकता है, तो आपको सारे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ देना है। ये भी आ सकता है एक्सप्लेन एनी 5, तो कोई भी 5 आप लिख देंगे, या एक पर्टिकुलर ये पॉइंट पूछ सकता है कोई भी कि हाउ द वॉन्ट्स रीअकर, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो बेसिकली इन पॉइंट्स को अगर आप एग्जांपल के साथ याद रखते हो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कॉम्पिटेटिव में आप बोल सकते हो कि जब अगर आपके पास 1,000 है तो आपके पास ये चॉइस करना पड़ेगा कि आपको पहले ये चाहिए वो चाहिए, है ना, ठीक है। एक अर्जेंसी के हिसाब से आप वो करते हो, उसको टाइमलाइन बनाते हो, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है जैसे कार एंड पेट्रोल, एक आपकी सब्सटीट्यूट्स होती है जैसे कोक एंड पेप्सी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, टी एंड कॉफी, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये आपको एग्जांपल्स के साथ अगर एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट दैट इज अ कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन आर नीडेड टू सेट अप। देखो कंजप्शन अब समझने में आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सा टर्म है, बट ऐसा नहीं है। कॉमोडिटीज आर नीडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। कॉमोडिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको पता है कोई भी जो कॉमोडिटी होती है वो गुड्स, एक गुड्स होता है और एक सर्विसेज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई गुड नहीं दे रहा हूँ इस समय, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप शाहरुख खान की मूवी देखने आए तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कोई आपके लिए गाना गा रहा है तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर एक सर्विस प्रोवाइड करता है। गुड्स आपको अच्छे से पता क्या होता है, गुड्स जो होते हैं वो हमारी जो गुड्स होते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसे आप प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है। तो वो हमारे गुड्स होते हैं। कहने का मतलब है कि सर्विसेज हमारी नॉन टेंजिबल होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी एजुकेशन हो गया, मेडिकल नॉन टेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग होती है। जैसे आपकी हेयर कट हो गया, म्यूजिक हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब आपकी सर्विसेज होती हैं। और बाकी जो गुड्स होते हैं आपको पता है जो वो एक टेंजिबल असेट्स होते हैं, मटेरियलिस्टिक गुड्स होते हैं जैसे आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। सो द एक्ट ऑफ यूजिंग, जो जब आप ये गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हो अपने वॉन्ट्स पूरी करने के लिए, वो से कंजप्शन बोलते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हुई, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। सो अकॉर्डिंग टू मियर्स, कंजप्शन इज अ डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली कंजप्शन क्या है, जब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो तो सिंपली दैट एक्ट ऑफ द ह्यूमन वॉन्ट, द एक्ट ऑफ अ ह्यूमन इज कॉल्ड द कंजप्शन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। भले आप कुछ भी खरीदो, आप भले आप टीवी लो, भले आप एजुकेशन लो, भले आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या होगी, हमारी कंजप्शन एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ सस्टेनेबल कंजप्शन। सस्टेनेबल कंजप्शन क्या होता है, सो इन द लाइट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले आपको बताना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो मतलब होता है कि जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जब उसको आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि बहुत ज्यादा हॉट इश्यूज है अराउंड द वर्ल्ड, इसके ऊपर डिबेट्स होते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल छपते हैं, तो ये होते हैं हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के तर्ज पे एक सस्टेनेबल कंजप्शन है। तो सस्टेनेबल कंजप्शन क्या है, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है तो आई होप आप उसे कोऑपरेट करेंगे, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। सो सस्टेनेबल कंजप्शन इज अ कंजप्शन ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज विच मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल एंड इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट हैविंग द एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही डेफिनेशन है, बस